जिनको किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख। इस बात पर हम BPRO साहब से मिलने गए तो वो हमको कह रहे हैं कि इसका एक ठो कार्यकारिणी होता है, अच्छा, जो तय करता है कि किसको कितना मिलना, किसको कितना देना है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अमृत लाल मीना का आपको हम देंगे अभी। अच्छा, ये अपर मुख्य सचिव है, जिस चिट्ठी में लेटर संभालेगा। संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, जरूरत पड़ा तो नीतीशो कुमार जी से मिलेंगे। पंचायत समिति हम हैं, हमसे बगैर पूछा हुए भी वो मेरे क्षेत्र में कार्य कर रहा है बिचौलिया, उसमें उस पर भी तो सवाल उठना चाहिए सर। अच्छा, तो अभी तो जनता हमें चुनी है, पंचायत समिति बनाई है, उनसे हमसे बहुत रखता है कि हमारा पंचायत समिति काम करे, और हम नहीं कर रहे हैं और हमारा कार्य को कोई बिचौलिया कर रहा है, तो ये दुर्भाग्य है सर हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं प्रखंड कार्यालय फतेहपुर में, जहां पंचायत समितियों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि पंचायत समिति सहित और भी जो योजनाएं आ रही है उसका बंदरवाट किया जा रहा है। इन लोगों का आरोप है कि एक पक्ष के लोगों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है काम करने के लिए और दूसरे पक्ष के लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है और किसी को कुछ कुछ दिया जा रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका मैडम? अनीता देवी, पूर्व प्रमुख। पूर्व प्रमुख, क्या मामला अभी चल रहा है? मामला ये चल रहा है सर कि जितने भी उन लोग पंचायत समिति है उनको पक्ष में उनको योजना बेसी दिया जा रहा है। हम लोग जितने हैं पंचायत समिति, उन लोग का योजना किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख बस। अच्छा, आप जिस समय प्रमुख थी उस समय क्या मामला था? क्या आपके राज्य में भी ऐसा होता था? पूछ लीजिए सर, पहले वाले पंचायत समिति है कि हम लोग जितने भी थे उतने सबके बराबर बराबर में बांटे थे। अच्छा, मैंने आपका कार्य जो था सराहनीय था, आप सबको एक समान लेके चले थे। एक समान। क्या नाम हुआ सर आपका? रणधीर यादव। रणधीर यादव, क्या मामला है सर यहाँ पे? मामला साफ है सर, अभी हम लोग जितने विरोध में हैं, हम लोग अभी 7 आदमी ऐसे हैं जिनको किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख। इस बात पर हम BPRO साहब से मिलने गए तो वो हमको कह रहे हैं कि इसका एक ठो कार्यकारिणी होता है। अच्छा, जो तय करता है कि किसको कितना मिलना, किसको कितना देना है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अमृत लाल मीना का आपको हम देंगे अभी। अच्छा, ये अपर मुख्य सचिव है, जिस चिट्ठी में लेटर संख्या है आपका 4959, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना भी पंचायत समिति है सबको समान रूप से जो विकास की राशि आई है, वो चाहे 15वीं में हो चाहे 60वीं में हो, उसको बांटा जाए। लेकिन यहाँ पे एकदम नंगा नाच किया जा रहा है पदाधिकारी के द्वारा। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या लगता है? अभी तो हम तो सीधे सीधे BPRO साहब को कह रहे हैं ना, 5 तारीख को जब हमारा बैठक हुई पंचायत समिति का, तो सर्वसहमति उसमें योजना सब पारित हुआ। अब योजना जब हमने लिख के दिया तो उसमें एक दो योजना, देखिए ये योजना का लिस्ट है, उसमें एक दो योजना ऐसे है जो कि हमने अपने लेटर पैड पे लिखा भी नहीं और वो चढ़ा हुआ है। जो ज़्यादा जरूरी हमारे पंचायत के लिए है वो नहीं कर रहा है, जो जिसमें नुकसान हो जाए, जिससे हमारा छवि खराब हो जाए, उस तरह का योजना को लोड कर दिया जा रहा है। एकदम मजाक बना के रख दिया है यहाँ पर पदाधिकारी लोग। अच्छा, एक चीज़ हमको आप बताएंगे कि पदाधिकारी इस तरह का नीति क्यों अपना रहे हैं? आप ना तो उनके वोटर हैं, ना आप कुछ हैं, तो फिर कुछ पंचायत समितियों को ज़्यादा पैसा फंडिंग के लिए दिया जा रहा है काम करने के लिए, कुछ लोगों को कम क्यों दिया जा रहा है? आखिर इस तरह का मतलब हरकत क्यों किया जा रहा है? सर, मैंने आपको साफ साफ बताया कि योजना सदन में जो अगर योजना पारित हो जाता है सर्वसम्मति से, तो समान रूप से सबको देना है। लेकिन जब हम लोग मिलते हैं तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप देखिए, ये लिस्ट है, ये लिस्ट पे लगा, हाँ, प्रिंट आप लगा दीजिएगा इसको, ये लिस्ट है, आप देख लीजिए कि किसी, अभी ये जैसे ये पूर्व प्रमुख है, आप इनके मोरहे पंचायत में एक भी योजना नहीं दिया गया, एक भी योजना नहीं दिया गया। पंचायत समिति है, इनको मात्र 1 लाख रुपया दिया गया। 1 लाख रुपया से क्या अपने पंचायत का विकास कर लेंगे? क्या नाम हुआ आपका? जी अरविंद राजवंशी। कहाँ के पंचायत समिति हैं? उत्तरी लोधे पंचायत समिति है। अच्छा, आप दलित हैं और दलित लोग भी आपको वोट देके विजयी बनाए होंगे और कहीं ना कहीं उनको यह उम्मीद है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे जी। तो क्या लगता है कि अधिकारी
चाहे जो प्रमुख साहब हैं, आपको बेहतर काम करने के लिए मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, काम कहाँ बेहतर मदद कर रहे हैं। पिछला बार प्रमुख थे, सबकी योजना बराबर बराबर देते थे। इस बार प्रमुख जो बने हैं, मेरा तो खुद सर 1 लाख की योजना हुआ है सर। 1 लाख में क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं होगा सर। अच्छा, आप इस बात को लेकर किसको दोषी मानते हैं खासतौर पे? हम तो प्रमुख महोदय के दोषी मानेंगे सर। प्रमुख को दोषी मानेंगे जी। कौन है प्रमुख अभी आपके? सोनवा देवी सर। सोनवा देवी, चलिए। तो हमारे साथ बीपीआरओ मौजूद है, क्या नाम हो सर आपका? जितेंद्र कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी फतेहपुर। यहाँ पे कुछ पंचायत समितियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो योजना आया उसमें बंदरबांट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? इसमें कोई बंदरबांट वाली बात नहीं है। 1 साल का ये एक्शन प्लान होता है, बीपीडीपी जिसे कहते हैं। तो जो पंचायत समिति के द्वारा जो योजना पास किया जाता है उसको अपलोड किया गया और इनका जो सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए तो उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। अच्छा, कहीं के यह आरोप यह भी है कि कुछ पंचायत समितियों को है वो ज्यादा फंडिंग पैसा दिया गया, कुछ को कम दिया गया। जो विसंगति है उसको हम दूर करने का प्रयास और जो प्रमुख है उनके बैठक करके उसको दूर कर दिया जाएगा। अच्छा, मैंने उम्मीद रखे यह लोग कि यहाँ पे जो समस्या है दूर कर दिया जाएगा। चलिए, जैसे एक चिट्ठी जो जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सभी लोगों को है जो वो असामान्य राशि निर्गत करना है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? समान राशि पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देश अनुसार 2006 में ही चिट्ठी कि समान वितरण किया जाए, चाहे ग्राम पंचायत के स्तर पर हो, चाहे पंचायत समिति के स्तर पर हो, या जिला परिषद के स्तर पर हो। तो जो कमेटी का जो निर्णय होता है, पंचायत समिति का डिसीजन होता है, उसके अनुसार काम किया जाता है। अब इनकी समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यों को बिचौलियों द्वारा क्यों कराया जा रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट। इशू नहीं, यहाँ पे समिति आरोप लगाया जा रहा है बीपीआरओ के सामने, क्या मामला है बताइए? मामला ये है कि हमारे कार्यों को पंचायत समिति हम हैं, हमसे बगैर पूछा हुए भी वो मेरे क्षेत्र में कार्य कर रहा है बिचौलिया, उसमें उस पर भी तो सवाल उठना चाहिए सर। अच्छा, तो अभी तो जनता हमें चुनी है, पंचायत समिति बनाई है, उनसे हमसे बहुत रखता है कि हमारा पंचायत समिति काम करे, और हम नहीं कर रहे हैं और हमारा कार्य को कोई बिचौलिया कर रहा है, तो ये दुर्भाग्य है सर हमारा। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों का जो पावर है उसका हनन किया जा रहा है। इस मामले पर जब मैंने बीपीआरओ साहब से सवाल करने का प्रयास किया तो उन्होंने बोला कि ये इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, वो चले गए। मामला क्या है, ये उच्च अधिकारी के द्वारा ही जांच किया जाएगा, तब इस मामले का जो है वो खुलासा हो पाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। हमारी कोशिश जारी रहेगी कि जो मामला यहां पे चल रहा है उसका सही से खुलासा हो पाए। चलिए, क्या कहना, कुछ और कहना चाहेंगे आप? हां, कहना बिल्कुल चाहेंगे। बताइए ना, सिर्फ हनन ही नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। जैसे इनके क्षेत्र में अभी 30% राशि की निकासी भी कर ली गई है, बिना काम किए हुए 30% राशि की निकासी भी कर गई है। और उस योजना का मैं, हम लोग अभी बीडीओ साहब को आवेदन देंगे, और इस योजना में भी जो योजना नहीं दिए वो अपलोड हो गया, मतलब उसको भी कोई बिचौलिया करावेगा। अच्छा, मेरे लेटर पैड को नजरअंदाज कर दिया गया, जो सदन में हमने सदन में योजना जो पारित करवाया वो योजना को हटा करके जो सदन में पारित नहीं हुआ योजना, वो योजना को ये योजना पंजी में सरकार के द्वारा डाला गया है। जबकि योजना सर्वसम्मति से पारित हुई थी, हमारा 5 तारीख को जो हमारा सदन हुआ था, बैठक हुआ था, पंचायत समिति मुखिया उसका जो सदस्य सब हैं, सब मिल के हम लोग जितना भी योजना पर मुहर लगा था सर्वसम्मति से, उसके बावजूद अभी मैंने आपको जो चिट्ठी दिखाया उसके बावजूद भी हम लोग को हक हिस्सा से वंचित किया जा रहा। और हम लोग चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग का आवाज ऊपर तक आप लोग पहुंचाइए, कम से कम साहब तक। कल हमने भी दर्शक हैं, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो क्षेत्र का मामला है वो कहीं ना कहीं मामला रुके ना और क्षेत्र में विकास हो। पंचायत समिति हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर क्या मामला है आपका? जी, मेरे साथ मामला है कि मेरे क्षेत्र में 2 योजना दिया गया है, ठीक है, और वो केवल 1-1.2 लाख का है। सर, आपसे पूछना, हम पदाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं कि 1 लाख में कौन सी योजना होगी इस टाइम? कुछ नहीं, ठीक है, अभी के महंगाई को देखते हुए 1 लाख में कौन सी योजना होगी? हम अपने जनता को क्या दिखाएंगे? जनता हम पे भरोसा की है, हमको जिताई है, तो विकास का काम करने का हम सोचते हैं, तो पदाधिकारी और जो प्रमुख है वो विकास का काम हम देते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से करें? अच्छा, अभी जो DPRO साहब ने आश्वासन दिया है, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में लेंगे वो? अब वो ही जाने संज्ञान मिलेगा, संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, जरूरत पड़ा तो नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। अच्छा, जनता दरबार। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पूर्व MLC मनोरमा देवी का प्रस्तावक भी हूँ। अच्छा। और वो अभी जदयू का कदावर नेता है, साहब भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं नीतीश कुमार तक जाऊंगा। आप, ये नींव हम ही लोग हैं, लोकतंत्र का जो राजनीति का नींव है वो हम लोग हैं। निम्न स्तरीय, त्रिस्तरीय जो पंचायत
कि हम लोग जो प्रतिनिधि हम लोग निभ हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है स्वच्छ भारत। आप जाइए घूमिए, कहाँ पर आपको बाथरूम है ब्लॉक में? कहीं कहीं नहीं। अभी देखिए हमारी प्रमुख साहब महिला है, जाइए ना देखिए ना, है का बाथरूम कहीं पर है? क्या सही बात है? क्या जाइए ना, सही बात है सर, यहाँ शौचालय नहीं है? नहीं है, नहीं। जब पूर्व प्रमुख हुए थे 5 साल पहले, फिर भी शौचालय नहीं था। तो आप जिसमें प्रमुख थे उसमें शौचालय बनाने का आपने कोशिश नहीं किया? कोशिश की है तो फिर आगे तरफ एक तो बना, लेकिन फिर भी वैसा ही एकदम पूर्ण सही नहीं है। अधिकारियों को सही करवाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यालय में 18 पंचायत का यह प्रखंड है और प्रखंड कार्यालय में जब शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना जायज़ है। और सवाल जो उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं, भले लेट से उठे लेकिन बात बिल्कुल सही है। हालांकि मामले की जांच की जाएगी, मैं फिर एक बार आऊँगा प्रखंड कार्यालय में और इन सभी का जो मामला है वो फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा, इनका मामले का जो है वो जाँच किया गया या नहीं और इनका मामला जो था वो ख़त्म हुआ या नहीं। धन्यवाद।